हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में नेताओं को सामाजिक कार्यकर्ता का दर्जा प्राप्त है, जबकि कामगार श्रमिकों को सामाजिक कार्यकर्ता बता उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इस हड़ताल के माध्यम से कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से किसानों की फसलों की गारंटी पर खरीद के साथ सभी फसलों के लिए MSP निर्धारित करने की सहित आशा आंगनबाड़ी भोजन माता समेत सभी स्कीम वर्कर्स को नियमित वेतन और कर्मचारी का दर्जा देने जैसी मांग की है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर एक बार हम अपने एरिया से हॉस्पिटल जाते हैं, उसमें एकदम 100 रुपये किराया खर्च हो जाता है। आप जोड़ ले 33 से 3000 मंथली हो गया ना, तो क्या बचा हमारे पास। और मरीजों का इस तरह इन्होंने, मरीजों का ऐसा लगता है कि जब उनको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे वो एडमिट होते हैं तो डिलीवरी होने के बाद में उनको 1000 रुपये मिलते हैं लिए, और हर चीज़ फ्री है। उस हिसाब से जो भी हमारे पेशेंट हैं वो यही सोचते हैं कि आशा को भी बहुत कुछ मिलता होगा। जब हमें इतने सारा मिलता है तो आशा को भी बहुत कुछ मिलता होगा, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जो पेशेंट हैं वो भी गुमराह हैं और हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं मिलता है जितने हम मेहनत करते हैं। 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है, जिस समय फ़ोन आ जाए उस समय हमें उठ के जाना होता है, चाहे रात हो या दिन हो। यूनियंस और SKM के आह्वान पर पूरे देश के भीतर हड़ताल और ग्रामीण बंद का आयोजन किया गया है, उसी के समर्थन में है। और ये मांग है कि पूरे देश में जो भी मजदूर हैं उनको न्यूनतम 26,000 वेतन मिले, पेंशन मिले, कर्मचारी का दर्जा मिले। उसके अलावा जो किसान है, किसानों की मांग है MSP को लागू करने की, वो हो।